उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं का फुटबॉल कैसे बनाया जाता है, ये कोई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्री सतपाल महाराज से सीखे। नेताओं की वादा खिलाफी से त्रस्त प्रदेश के युवा भारी बारिश के बीच कभी धरना देने को तो कभी भीख मांगने को मजबूर है। सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंता के 228 पदों को शामिल करने की मांग को लेकर उत्तराखंड के सैकड़ों युवा 11 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वो धामी सरकार से पूछ रहे हैं, क्या हुआ तेरा वादा? अगर नौकरी देनी ही नहीं थी तो झूठे वादे किए क्यों? घोषणाओं का लॉलीपॉप क्यों थमाया? युवाओं का आरोप है कि सरकार ने उनका फुटबॉल बनाकर रख दिया है। सबसे पहले सतपाल महाराज जी ने बोला कि इसके लिए सारे जो है वो सीएम साहब ही स्वीकृति करेंगे, आप सीएम साहब पे जाइए। हम सीएम साहब पे गए, सीएम साहब बोलते हैं कि इसके सारे नेता जो इस समय इरिगेशन के पूरे हेड हैं वो महाराज जी हैं, आप महाराज जी पे जाइए, महाराज जी स्वीकृति कर देंगे, तो मैं कुछ मना नहीं कर सकता। जी भी गए, महाराज जी बोले देखो ऐसा है, इसके लिए आप सचिव सचाव हैं उनसे मिलिए, वो स्वीकृति मैंने वहाँ पहुँचा दी और कार्यान्वित है। हम उन पर गए तो बोलते हैं ये धामी जी से रुकी पड़ी। तो सर हमें समझता है कि ये क्या हम फुटबॉल हैं कि हम घूमते रहेंगे? सिंचाई मंत्री युवाओं को मुख्यमंत्री के पास भेजते हैं और मुख्यमंत्री वापस उन्हें सिंचाई मंत्री के पास भेज देते हैं। जब युवा लौट कर आते हैं तो सिंचाई मंत्री उन्हें सिंचाई सचिव के पास भेज देते हैं। अब सभी युवा एक आवाज में कह रहे हैं कि हम जाएं तो जाएं कहां? युवाओं का आरोप है कि सरकार बजट का रोना रो रही है, इसलिए सवाल उठता है कि चुनाव से ठीक पहले जब घोषणावीर घोषणा करते हैं क्या तब बजट का ध्यान नहीं रहता? जो अब बजट का रोना रो रहे हैं, हर तरफ से नाउमीदी देखकर अब युवा सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हैं। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों को भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का दीमक चाट गया है। जरूरत है युवाओं को इस सिस्टम से लड़ने की, ताकि आने वाले समय में कोई और युवा नेताओं के झूठे वादे और भ्रष्टाचार के शिकार ना हो जाए।